हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बताया था कि पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती तथा पुष्प होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, इसको पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है। अब आज हम पढ़ाएंगे कि जो पौधे के जड़, तना आदि भाग हैं वो भोजन संग्रह करने के लिए या अन्य कार्यों को करने के लिए इनका रूपांतरण होता है, यानी इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो पहले आपको बताएंगे कि जड़ों का रूपांतरण। जड़ें, पौधों की जो जड़ें होती हैं वे जमीन के अंदर होती हैं और इन जड़ों में भोजन संचय होता जाता है और भोजन संचय होने के कारण ये फूल जाती हैं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकारों में भोजन संचय के कारण ये फूल जाती हैं, अर्थात इनका रूप जो होता है वह परिवर्तित हो जाता है। इसी को जड़ों का रूपांतरण कहते हैं, यानी इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं। तो इसमें दोनों तरह की जड़ों का रूपांतरण होता है, मूसला जड़ों का भी रूपांतरण होता है और अपस्थानिक जड़ों का भी रूपांतरण होता है। मूसला जड़ों का रूपांतरण तीन प्रकार का होता है, शंकुरूप, तर्कुरूप और कुंभी रूप। शंकुरूप गाजर, इसका उदाहरण क्या है? गाजर। शंकुरूप की जो जड़ें होती हैं वह भोजन को संचय करके ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर पतली होती हैं। ये इसका उदाहरण क्या चीज है? गाजर। और तर्क रूप है, तर्क रूप का उदाहरण है मूली। तर्क रूप में जड़ ऊपर और नीचे की ओर पतली होती है और बीच में क्या होती है? मोटी होती है। तो बीच में मोटी और किनारों पर पतली होती है, उसको हम कहते हैं तर्क रूप। और कुंभी रूप बच्चों है कि इसमें जड़ जो होती है भोजन का संचय करके घड़े की तरह से फूल जाती है और नीचे की ओर पतली सी हो जाती है, तो इसे कुंभी रूप कहते हैं। तो मूसला जड़ों का जो रूपांतरण है वह तीन तरह का होता है, तर्क रूप, शंक रूप, कुंभी रूप। ये बच्चों इसका चित्र है, दिखाई दे रहा है? देखिए, तर्क रूप में मूली को बनाया गया है, मूली का चित्र बना हुआ है। ये मूली ऊपर की ओर थोड़ा पतली, बीच में मोटी और नीचे की ओर पतली होती है। और शंकु रूप किनारे की ओर गाजर है जो ऊपर की ओर मोटा और नीचे की ओर पतला है। और कुंभी रूप है, ये घड़े के आकार की फूल जाती है जड़ और नीचे केवल बहुत पतली सी हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये भोजन का संचय कर लेती है और भोजन का संचय करके अपने रूप में परिवर्तन ला देती हैं, इसे जड़ों का रूपांतरण कहते हैं और यह मूसला जड़ का रूपांतरण है। इसी तरह से बच्चों, ये अपस्थानिक जड़ों में भी रूपांतरण होता है। तो अपस्थानिक जड़ों का जो रूपांतरण है वह दो तरह का है, पुलकित जड़ें और कंदिल जड़ें। डहेलिया की जो जड़ें होती हैं वह पुलकित जड़ों का उदाहरण है और शकरकंद की जो जड़ है
वह कंदिल जड़ का उदाहरण है। ये भी यानी कि भोजन को संचय करके कंद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये देखिए ऊपर का जो चित्र है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। इसमें चित्र बना है डहेलिया की पुलकित जड़, देखिए फूली हुई है मोटी सी। ऐसे ही शकरकंद जो आप खाते हैं वो भी जड़ है, वो मोटी हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि इसमें भोजन संचय हो जाता है। तो इस तरह से अपस्थानिक जड़ों का जो रूपांतरण है वह दो तरह का है, पुलकित जड़ और कौन सी है, कंदिल जड़ें। तो जड़ों का जो रूपांतरण है वह हो गया बच्चों। अब है भोजन संग्रह करने वाले जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, भूमिगत तने। अब तक हमने आपको बताया था कि पौधे का तना जो होता है वह जमीन के ऊपर की ओर होता है और जड़ नीचे की ओर होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने जमीन के अंदर रहते हैं और उसमें से जड़ें निकली होती हैं, वो भी जमीन के अंदर रहती हैं। लेकिन ये तने जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर वृद्धि करते हैं, उन तनों को हम कहते हैं भूमिगत तना। क्या कहेंगे? भूमिगत तना। तो भूमिगत तने जो होते हैं वह भोजन को संचय करके या भोजन को एकत्रित करके विभिन्न आकार प्रकार में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, या कहेंगे उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, फूल जाएंगे। भोजन इकट्ठा होगा तो क्या होगा, फूल जाते हैं। जैसे कोई भी आप जो है कोई चीज है उसमें भरती जाएंगी, इकट्ठा करती जाएंगी तो संरचना क्या करती है, फूल जाती है। तो वैसे ही जो है भूमिगत तने होते हैं जो भोजन का संचय करके क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये भी बच्चों चार तरह के होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। तो ये आलू, आलू देखा है आप लोगों ने, आलू खाती हैं रोज घर में। तो आलू कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर। जो खाया जा रहा है वह पौधे का कौन सा भाग है, तना है। क्या है, तना। जैसे मूली जड़ है, शकरकंद जड़ है, गाजर जड़ है, लेकिन आलू क्या है, तना है। तो आलू जो होता है वो जमीन के अंदर है, यह तना भोजन को इकट्ठा करके फूल जाता है और इसको हम कहते हैं आलू का कंद है ये, ठीक है। और इसी तरह से प्रकंद, प्रकंद अदरक, अदरक आप देखते हैं जमीन में लेट कर, जमीन के अंदर जो होती है लेटे हुए रहती है और उसमें भोजन संचय होता है और इकट्ठा होता है और वो फूल जाती है। तो जो जमीन के अंदर जो है लेटे हुए है उसको हम कहेंगे प्रकंद, और जो जमीन में सीधे ऊपर की ओर से अरवी है, अरवी है, बंडा है, ये क्या रहता है, सीधे खड़ा रहता है जमीन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं घनकंद। क्या कहेंगे, घनकंद। अरवी और बंडा ये घनकंद का उदाहरण है और जो अदरक है वह प्रकंद का उदाहरण है। इसके बाद आती है प्याज, प्याज भी आप खाती हैं, जो नीचे वाला भाग होता है खुला हुआ भाग और उसमें भोजन इकट्ठा रहता है, इसी के कारण उसके सल्क जो पत्र हैं भोजन इकट्ठा रहते हैं, मोटे हो जाते हैं और वह फूली हुई संरचना हमको दिखाई पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं सल्ककंद। क्या कहेंगे, सल्ककंद। तो भूमिगत तनों का जो रूपांतरण है वह भी चार प्रकार का है,
कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, ये बच्चों चित्र मैंने बनाया है, आपको दिखा रहा हूं। ये सब लोग घरों में देखे हैं अपने। आलू, ये कंद है, भोजन को इकट्ठा करके फुला हुआ। और प्रकंद, देखिए अदरक है, दिखाई पड़ रही है अदरक की तरह की नहीं दिखाई दे रही है। नीचे क्या है, घनकंद है, ये अरबी का है भाग। और किनारे की ओर है प्याज, जो सल्क कंद का उदाहरण है। ठीक है, चित्र सबको क्लियर है, दिखाई दे रहा। तो ये हो गया कि जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले तने हैं, ये भोजन को इकट्ठा करके विभिन्न रूपों में फूल जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। अब है कुछ जड़ें हैं बच्चों, जो तने को सहारा देने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे गन्ने की जड़ है, तने के ऊपर से गांठ के यहां से जड़ें निकलकर जमीन में जाती हैं। बरगद आपने देखा है, तो बरगद के तने से रस्सी जैसी संरचनाएं लटकी हुई होती हैं, तो वह भी जड़ें होती हैं और वो जमीन में आकर चली जाती हैं, फिर वो भी मोटी हो जाती हैं। ये तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से इनका उदाहरण बच्चों देखो, ये जो हमने बरगद और गन्ना का बताया, इसका भी ये चित्र बना हुआ है। देखिए दिखाई दे रहा है, गन्ने की जो गांठ है, गांठ में से जड़ निकली हुई है तने से, वह पौधे को खड़ा रखने में सहायता करती है, मजबूती करती है, रखती है। और ये बरगद है, बरगद में से रस्सी जैसी ये संरचनाएं नीचे की ओर लटकी होती हैं, ये भी जड़ें हैं और ये तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। इसके बाद है बच्चों आरोहण के लिए रूपांतरण। आरोहण यानी कि जो कमजोर तने होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे तने के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे आप बोती हैं, सब्जी में बोया जाता है, जैसे कद्दू है, लौकी है, करेला है, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे लकड़ी या या किसी दूसरे पौधे का सहारा लेकर के ऊपर की ओर चढ़ता है। कैसे चढ़ जाता है, इसके पास जो है तने के अग्र सिरे पर स्प्रिंग की तरह से क्वाइल जैसी संरचना पाई जाती है, और वह सहारा देने वाले पौधे के ऊपर उससे लिपट जाता है, और उससे लिपट करके फिर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। तो जो लोग लौकी और कद्दू करेला का पौधा अगर देखे होंगी, तो उनको पता होगा कि उसमें क्वाइल जैसी संरचना होती है, जो दूसरे पौधे के तने पर लिपट जाती है, और इससे यह पौधा ऊपर की ओर चढ़ता है। तो कमजोर तने वाले पौधे इस प्रत्तान के द्वारा, जो क्वाइल जैसी संरचना है उसको प्रत्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्तान। अंगूर में भी होता है, तो ये प्रत्तान है, प्रत्तान के द्वारा दूसरे पौधे पर लिपट करके ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो इस तरह से ये रूपांतरण पौधों में होता है। जड़ों में रूपांतरण है, मूसला जड़ों का रूपांतरण है, कुंभी रूप, शंकु रूप, तर्क रूप, और अपस्थानी जड़ों का रूपांतरण कंदिल और कंद जड़ें होती हैं। फिर है भूमिगत तनों का रूपांतरण, चार प्रकार का, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। और फिर कुछ सहातनों को सहारा देने वाली जड़ें होती हैं, गन्ना और बरगद में, तथा
कुछ संरचनाएं पौधों में ऊपर चढ़ने के लिए सहायता करती हैं, उनको प्रत्तान कहते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, करेला में क्वाइल जैसी संरचना होती है, उसे प्रत्तान कहते हैं। प्रत्तान की सहायता से दूसरे पौधों के ऊपर ये चढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज ये चैप्टर समाप्त हो गया और आपका क्लास यहीं तक। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।